सेटल डाउन वैसे आज नागपंचमी है कई कई लोग आजू बाजू रहेंगे जो दूध पी के आए होंगे सुबह सुबह सो वॉम वेलकम टू एवरीबडी इन दिस ऑगस्ट असेंबली वैसे भी ऑगस्ट का महीना चालू होने वाला है एंड दिस फिल्म इज़ ड्यू फॉर ऑगस्ट रिलीज ऑगस्ट इलेवन को टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज़ होने वाली है जिस फिल्म के रेडियो सिटी ऑफिशियल पार्टनर्स है And my name is Rohit Veer. I am supposed to be on air right now, लेकिन जब टॉयलेट का बुलावा आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया So, so today, लेकिन but but when it comes to the majority population, उनको रोकना पड़ता है because there is not just enough toilets. Uh, और जब जो toilets होते हैं वहाँ पर अंदर जाके चक्कर आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और चक्कर खा के गिरने के लिए बेहतर जगह होती है सो दैट्स वाई दिस फिल्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज सिक्सटी पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू प्राइवेट एंड सेफ टॉयलेट्स सो आई थिंक द पर्सन हु नोज द फिल्म मच मोर देन आई डू आई लाइक टू कॉल हिम ऑन स्टेज सम हु इज नॉट अफ्रेड टू टेक सब्जेक्ट्स

बात कर लेते थोड़ा अभी तो हीरोइन भी आ गई है <laughs> नमस्कार मेरा नाम है अक्षय कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप मीडिया फोटोग्राफर्स कैमरामैन एंड एवरीबडी इज यर थैंक यू वेरी मच दिस इज अ वेरी स्पेशल मूवी फॉर मी एंड

ये लोग पहले मैं इनका नाम बता देता हूँ दे आर नोन एज द क्लीन अप मार्शल्स आप कई लोग जानते होंगे इनके बारे में यू मस्ट बी नोइंग अबाउट वॉट दे डू इनका मैं कुछ स्टेटस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि ये लोग uh, क्या क्या कर चुके हैं देर अबाउट देर अबाउट सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री क्लीन अप मार्शल्स जो पूरे हमारे सिटी में घूमते हैं लोगों को पकड़ते हैं अगर गंदगी करते हुए देखें उनको फाइन करते हैं उनको ना कि फ़ाइन करते हैं बल्कि उनको सिखाते हैं समझाते हैं इट्स अ न्यू इनिशिएटिव एंड अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने करीबन दे हैव वॉन्ड अबाउट 15 लाख सिटीजन इन मुंबई एंड मोर देन 5 लाख एंड मोर देन 8 करोड़ रुपीज़ इन्होंने जमा किया है एंड सिर्फ पंद्रह लाख तो सिर्फ सी एस टी स्टेशन से ही मिले हैं मतलब और मैं बताता हूँ मैंने तो खैर इनकी कहानियाँ सुनी हैं कि किस हिसाब से ये लोग उनको पकड़ते हैं इनके साथ क्या वार्तालाप होती है क्या क्या बातचीत होती है कोई इनको गाली देके चला जाता है कोई ऐंठ जाता है कोई मतलब अलग अलग चीज़ें सुनाई देती हैं क्योंकि एक तो आप कचरा फेंको हाँ मुंबई को ख़राब करो और ऊपर से आप धमकियाँ भी दो मैं इसको जानता हूँ मैं फला फला लोगों को जानता हूँ ये सब चीज़ें बातें चलती रहती हैं तो मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियां बजाए फॉर द रियल हीरोज फॉर द रियल हीरोज क्लीन आप मार्शल्स आइए जी आइए आइए बेटा जल्दी आओ ना ऐसे तो क्या हो गया जल्दी आओ 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 इधर आ जाओ वेरी गुड आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ सो जी आई कूडेंट ब्रिंग द 753 नहीं तो अब वो काम कर रहे हैं तो मैं 10 लड़के और 10 लड़कियां लेके आया हूँ दे आर एक्चुअली द रियल हीरोज जो बहुत मदद कर रहे हैं मुंबई को साफ रखने में एंड आई एम श्योर कि आप भी चाहेंगे कि आपका आप जिस सिटी में रहते हैं वो साफ रहे इट इज इंपॉर्टेंट कि ये सब चीज़ मैं मैं चाहूँगा पहले आप फोटोग्राफर्स के साथ एक हमारी फ़ोटोस हो जाएं ओके okay, तो मैं एक मिनट थांबा आता <laughs> आता यांच्याबरोबर बोलायचं पण आहे आपल्याला हो का चला आता आपण तिकडे बसा हां काम काम अँड फोर पीपल आय वॉन्ट दोन मुलं इकडे आणि दोन मुलं इकडे थांबा तुम्ही बसा बोला थांबा सगळे गेले <laughs> या की आपलं नाव काय विभाग आहे रे धनलक्ष्मी

तो चलिए ये कुछ दो प्रश्न हैं जो मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा ये वो प्रश्न हैं जो कई लोगों से बात करने के बाद मैं इन दो इन चारों से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा तो आप में से कोई भी बताएं कि अच्छा चलिए ये बताइए कि क्या वो क्या वो एक चीज़ है जो आपको लगता है कि हर एक मुंबई के नागरिक को करनी चाहिए ताकि हमारा शहर और साफ हो सके और आपके काम में हम हाथ बढ़ा सके ऐसी वो क्या चीज़ है मैं आपसे पूछता हूँ आप बताइए नमस्कार सर मेरा नाम अजय सिंह है हाँ थोड़ा और ऊपर ऊपर नहीं आप ऊपर नहीं माइक ऊपर हेलो हाँ हाँ नमस्कार सर मेरा नाम अजय सिंह है मैं महद्री के एवे में काम करता हूँ सर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पब्लिक को बोल के रोक सकते हैं कि हमारे स्वच्छ भारत अभियान के लिए उसमें सबसे जरूरी चीज़ें हैं जो भी रेपेयर होते हैं चॉकलेट के हो गए बिस्किट के हो गए तो वो क्या करते है? खाते है और रोड पे डाल देते है. उनको उन है, उनको हैं उनको हम पकड़ते हैं उनको फर्स्ट ऑफ आल समझाते हैं हम आप ऐसा मत करिए तो हमें समझाते हैं आपने बैनर नहीं लगाया आपने ये नहीं किया उनको हम समझाते हैं कि पब्लिक प्लेस में बैनर लगते हैं हर जगह बैनर नहीं लगा सकते हम लोग ऐसा नहीं होता है बैनर लगाइए उनको समझाते हैं कि हर जगह बैनर अभी आप पिक्चर देखने जाते हैं मूवी देखने जाते हैं आप तो टी में भी दिखा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का आप समझिए आप घर पर टी देखेंगे आप रेपर खा रहे हैं बिस्किट खा रहे चॉकलेट खा रहे आप बेट पे तो नहीं रख सकते आप आप डस्टबिन जाके डाल के आएंगे तो मेरा यही कहना है कि आप डस्टबिन जाके रेपर डालिए कोई कोई सॉरी बोलता है मान जाता है सॉरी बोल के हाथ मिला के हक करके गली मिल के चले जाते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तुम्हारा जो काम है काम करो तुम्हारा कितना फ़ाइन दो सौ रुपया दो सौ रुपया रहो ज़्यादा हमको भाषणी देने का वो टाइम नहीं मेरे को दो सौ देते हैं पौते लेके चले जाते हैं बाकी ऐसे हो जाते हैं कि हम बाय रोड काम करते हैं गाड़ियाँ आती है जो गाड़ी रुकती है सिग्नल पर वो चॉकलेट खा के बिस्किट के रेपर खा के जो भी रहता है बाहर फेंक देते हैं उनको हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो निकल जाते हो सिंगल खुलने के बाद तो मेरा उनसे बड़ी बड़ी गाड़ियों से निवेदन है कि आप सभी लोग एक छोटा सा डस्टबिन अपने गाड़ी में रखिए आप जो भी रेपर यूज़ करते हैं उसको डस्टबिन में रखिए और उसके बाद जहाँ भी काचरा कुंडी आपको दिखे आप वहाँ पर कचरे का डब्बा पलटी कर दीजिए और वापस रख लीजिए मेरा उनसे निवेदन है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में हेलो मेरा नाम शेख आबिद है जैसे कि हर जगह शौचालय बनाया गया है रास्ते पे कहीं भी कोई कोना देखते हो वहाँ टॉयलेट कर लेते हैं हर के पाँच सौ मतलब आधा किलोमीटर पे हर शौचालय है वहाँ जाइए टॉयलेट यूज़ करिए हम उनको बोलते हैं कि यहाँ टॉयलेट मत करिए वो बोलते तुम्हारा काम क्या है फाइन कहिए फ़ाइन लीजिए फिर भी कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते जैसे कि हाथापाई पर आ जाते हैं तो जब हाथापाई पर आते तो आप लोग क्या करते थे हम उनको से पहले समझाते हैं नहीं होता है तो पुलिस को कॉल लगाते हैं ओके तो उनको कॉल लगाने के बाद पुलिस आती है उनको समझाती है ये लोग आपको समझा रहे आप समझिए फिर आपको फाइन मारने पुलिस ने बोलते फाइन दिए इनको पौती दीजिए पौती देते जब मोबाइल में ऐप भी निकला है जिसको सन में नहीं आता एक ऐप के थ्रे देखिए हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक शौचालय बनाया गया वो शौचालय यूज़ करिए आप लोग तो वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ ये जो ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम है ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये सिर्फ़ विलेज की प्रॉब्लम है दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन सिटीज़ एंड इट इज़ मोर डेंजरस इन सिटीज़ रादर देन बिकॉज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन क्योंकि हमारे हम सिटीज में रहते हैं बिल्डिंगे हैं कॉन्क्रीट जंगल जैसा बना हुआ है और जब ओपन डेफिकेशन होता है तो वेदर यू कॉल जर्म्स और बैक्टीरिया जो भी चीजें हैं ये बहुत जल्द फैल जाती है और हमारे घर में घर तक बहुत जल्द पहुंच जाती है सो आई थिंक ये जो फिल्म भी बनाई है ये ये मत सोचना कि ये सिर्फ विलेज के लिए है ये हम सिटीज वालों के लिए है क्योंकि हम वी आर इन मोर डेंजर देन रियल फैक्ट एंड बिकॉज आई हैव लर्न फ्राम दैनिटेशन डिपार्टमेंट एंड and I'm जस्ट टेलिंग यू अबाउट इट आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जो मैंने आपसे प्रश्न किया था महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने घर का कचरा uh, दिन भर में तीन बार बीएमसी गाड़ी भेजती है मॉर्निंग में दोपहर के टाइम में भेजती है और शाम के टाइम में भी गाड़ी आती है तो कचरे के डब्बा जो आता है उसी में फेंका करें और सूखा और गीला कचरा दोनों अलग अलग इसमें फेंकें गीला कचरा होता है उसका खत बनता है और सूखा कचरे का रिसाइकलिंग होता है तो अगर सही जगह पर अगर वो कचरा फेंकते हैं तो उसका सही मतलब गंदगी नहीं फैलेगी स्वच्छ रहेगा अपना आसपास का परिसर स्वच्छ रहेगा ज़्यादा करके लोग सोसाइटी के लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो जाते आते समय कचरा रस्ते पे फेंक देते कोई नहीं दे दिखता है तो रस्ते पे फेंक देते तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए यही मैसेजेस बताना है तीज़ तीज़। सर आप के अ... सर मैं ये कहना चाहूँगी अ... कि जो भी बड़े बड़े गाड़ियों से गुजरते हैं तो आते जाते डायरेक्ट थूक देते किसी पे घिरा या नहीं घिरा ये भी ध्यान नहीं देते तो उनको ऐसा नहीं करते जाते जाते थूक देते मतलब हाँ, दे हाँ और खिड़की में से भी थूक देते हैं सर खिड़की में से भी थूक देते है कुछ भी ध्यान नहीं देते तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी प्रोफेशनल है एजुकेटेड है वो भी थूकते तो उनको हम फाइन करने जाते तो वो उल्टा बोल देता है कि हमको हम लोग को मत सिखाओ ये सब हमें पता है तो उल्टा ऑर्गना करते हैं तो फाइन देते पर कहते हैं कि हम लोग को ये सब पता है तुम बताओ मत ये सब जो अपना फ़ाइन है वो लेके निकल जाओ पर वो ये नहीं का, सोचते कि मेरे मेरे तरफ से जो गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते वो नहीं जान पाते कि मैंने ये गलती किया है तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी अपना जो भी परिवार है वो अपना मुंबई भी अपना एक परिवार है तो मैं सबसे यही विनंती करूंगी कि अपना मुंबई भी अपना एक परिवार है उसको स, जितना हो सके उतना साफ सफाई रखे इतना ही मैं कहना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं आप लोग इतने समय से ड्यूटी कर रहे हैं कोई तो ऐसी घटना होगी जो आपको हमेशा याद रहेगी कभी किसी ने कोई बात कही हो जैसे आपने तो बता चुके हैं तो कोई ऐसी कोई घटना होगी जो आप बताना चाहेंगे शेयर करना चाहेंगे मीडिया से उन्हें बताना चाहेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं और आपको किसी ने कुछ बोला या किया या कोई आर्ग्यूमेंट हुई या कोई अच्छी भी कोई बात हो किसी ने कोई अच्छी बात की हो तो आप बता सकते हैं मीडिया को कि क्या क्या हो रहा है सर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अच्छी बात यह है कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि गलती करते बाय मिस्टेक से स्मोकिंग करके फेंक देते तो उनको गलती होती है बट कभी कभी घाई में ट्रेन की तरफ आने वाले लोग उनके पास कभी कभी पैसा नहीं होता कुछ काम की वजह से आते कुछ खरीदने के इसके लिए तो पैसा नहीं होता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक ऐसा ही किस्सा हुआ था कि उनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने अपना वॉच था वो बोला वो बोले कि ये वॉच रखो मैम मैं फ़ाइन मैंने गलती की है मेरे पास अभी पैसा नहीं है मैं अभी बाजू में मेरा घर में आता हूँ तुरंत तो उन्होंने वो निभाया कि घर पे जाके अपना फ़ाइन भरे और सॉरी भी बोले और और घड़ी छोड़ के गए थे अपनी नहीं छोड़ी वो लेकर गए नहीं नहीं मतलब पहले छोड़ के गए थे मतलब उनके फाइन, पास फाइन नहीं था, नहीं था। आ, मैं बोले ऐसा नहीं, नहीं है सर कि आपको गलती का एहसास होना चाहिए बोले हाँ ये काम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है आपका पे करने के लिए तो उन्होंने ऐसा किया कि मेरा वॉच रखो मैं अभी दो मिनट में आता हूँ मैं घाई में थोड़ा इमरजेंसी किसी को छोड़ने के लिए आता स्टेशन पर तो गलती से मेरे से मिस्टेक हुआ और बुरी बात ये अच्छी बात हुई और बुरी बात ये बताती हूँ कि कोई कोई लोग टपोरी जैसे अभी आजकल के बहुत ऐसे कुछ लड़के हैं कि दादागिरी टाइप जैसे कि नहीं ये मुझे नहीं भरना है जो आपको करना है वो करो ऐसे भी बोलने वाले होते हैं उसमें से एक दो उनके बाजू में वो रहते हैं फ्रेंड्स वो बोलते हैं नहीं नहीं मैडम गलती हुई है ऐसा मत बोलो मैडम को कि वो उनका काम कर रहे हैं सॉरी सॉरी मैडम तो उसमें से एक आधा रहता है ऐसा बंदा कि नहीं मुझे भरना नहीं है करके मतलब सबका माइंड एक जैसा नहीं होता माइंड अलग अलग है सबका और ये भी तो हो सकता है वो कोई लड़के आ रहा हो घर से तो बाहर लड़ना चाहता <laughs> कुछ हो, हो कुछ भी हो सकता <laughs> है वैसा भी हो सकता है हाँ तो हम लोग उनको कॉपरेट करते हैं तो बाद में वो शांत हो जाते हैं क्योंकि उनको बताते इस तरीके से कि सर देखिए कि आपने गलती की है इसीलिए हम लोग आपके पास बताते बताना चाह रहे कि ऐसा मत कीजिए ये आपके घर के जैसा ये परिवार आपके घर में आप ऐसा कचरा फेंकते हैं क्या हम लोग उनको ऐसे बोलते तो बोलते नहीं सॉरी मैडम ऐसा हुआ तो मैं थोड़ा टेंशन में था सॉरी भी बोलते आपके साथ हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ है हमारी ड्यूटी छः महीना पहले जहू कोड़ीवाड़ा पार्ला में लगी हुई थी वहाँ पे करीब छः या सात लोग आते थे तो उनको हम लोगों ने मना किया लेकिन वो ग्रुप वाले थे सुनते नहीं थे नहीं हम इधरी सोच करेंगे हम लोग बीस साल से हैं कहीं जाते नहीं इधरी सोच करेंगे इधरी सोच करेंगे हमने बहुत समझा लेकिन वो ग्रुप वाले मेरा कॉलर पकड़ लिए मेरे को धमकी भी दिए कि यहाँ पे नहीं रहने का ये नहीं करने के लिए हमारी ड्यूटी लगे हमें ड्यूटी करना था हमने ड्यूटी किया अपना उनको समझाया नहीं समझा रोज आते थे मुझे उल्टा सीधा बोलते थे चिढ़ाते भी थे लेकिन बैठते थे लेकिन दो चार दिन के बाद ऐसा हो गया कि मैं आने मुझे लेट हुआ घर से तो मैं आया देखा तो हम लोग वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट बी का लगा हुआ था उन लोगों ने वहाँ, तो वहाँ पर लाइन लगा हुआ लगा के खड़े हुए थे मोबाइल टॉयलेट के लिए okay. तो मुझे देखे मुझे बुलाए मुझे सॉरी बोले फिर मुझे पिट पिट होके कि आप अच्छा काम कर रहे हो हमने बहुत सोचा है हमने आजू बाजू भी सबको बताया कि ऐसा हम काम न करें किसी को ना करने दें तो अभी आज कोलीड़ा एकदम साफ सफाई है हमें भी खुशी होती है वहाँ जाने के बाद अब कभी कभी ऐसा हुआ है कि Uh, मतलब देखिए जैसे बता रहे थे कि uh, अमीर लोग गाड़ी में से थूकते हैं तो अमीर लोग अपने कुत्ते भी लेके घूमते हैं और वो उनका uh, जो कुत्ता है वो ओपन डेफिकेशन करता उपन है बाहर तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है कभी आप उनको समझाते हो हाँ जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर उसमें भी प्रॉब्लम आती है बहुत से लोग रस्ते पे लेके जाते हैं कुत्ते को टहलाने के बहाने और रस्ते पे वो कुत्ते गंदगी करते हैं हम उनको कई दफ़ा क्या कि इस पर फाइव हंड्रेड का फाइन होता है ऐसा रास्ते में मत करिए आप पेपर यूज़ करिए जहाँ भी आप लेके जाते हो तो पेपर पे यूज़ करिए उनसे उठाइए साफ़ कर दीजिए वो लोग कहते हैं कि हम रास्ते को कुत्ते को वो उठाने के लिए आए क्या इसलिए तो घर के बाहर ले आए अभी ना दिस इज अ ग्रेट लाइन हम कुत्ते को घर पर करने के लिए थोड़ी लेके आए तो बाहर लेके जाएंगे जाएँगे ना ये ये तो ये तो अमीर लोगों की सोच है कुछ हाँ और क्या है बताइए बस उसके बाद थोड़ी बहस होती है उनसे फिर भी लेकिन वो साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखते बहस वही झगड़ा करते हैं और चले जो आपको जो करना करिए कम्प्लीट करिए पुलिस में क्या करना है करिए वो बोलते हैं तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम इनको जानते हैं फला फला को जानते हैं ये भी जी जी बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं और कुछ लोग तो कॉल लगा के थे, लो इनसे बात करो आप <laughs> तो हम बोलते बताइए कौन है बात कर लेते हैं जब उनसे बात करते हैं हाँ इन्होंने ये गलती की उनको समझाते हैं तो ठीक है ना उनको फाइन भरने बोल दीजिए ना आप बोले हमने कहा लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं ना आप ही बोल दीजिए उनको फाइन भरने के लिए बोलते तब वो बोलते हाँ ठीक है, हा, है सॉरी मैं फ़ाइन भरता हूँ सो आई जस्ट वॉन्ट टू से एक ही चीज़ कि हमें अपने घर को जितना साफ रखना है मैं कहता हूँ कि अगर जस्ट इमेजिन कि हर हर मुंबईकर अपने ये सोच ले कि मैंने अपने घर को साफ रखना और उसके आजू बाजू का करीबन सौ मीटर का जगह को अगर मैं साफ़ रखने की कोशिश करूं सो अपने आप ही सब कुछ साफ होना शुरू हो जाएगा इफ़ दैट काइंड ऑफ अ माइंड सेट कम्स सो आई थिंक वी ऑल कैन वर्क टूवर्ड्स वी डोंट हैव टू वेट फॉर द क्लीन अप मार्शल्स कमिंग देयर एंड ट्राइंग टू टेल अस आई विश दिस कुड हैपन एंड आई होप सो दिस कैन हैपन बिटवीन अस दैट वी कैन ट्राई एंड कीप आर ओन एरिया लिटल बिट चाहे सौ मीटर ना करें पचास मीटर ही कर लें लेकिन अपने बाजू का आजू बाजू का एरिया साफ रखें सो दैट कूड बीन अ मच बेटर हेल्प सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है थोड़ा uh, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का थैंक यू प्लीज गिव दम बिग अपलॉस प्लीज अक्षय जी कैन वी हैव सेल्फी हैव अ सेल्फी विद ऑल द लेडीज इफ यू कैन महिलाएं पहले आए ओके <laughs> <Okay. laughs> <laughs> द पुरुष पण येऊ शकतो तर यावे डायरेक्टर um, so right? so, um, ने कुछ uh, तीस सेकंड के कुछ पांच प्रोमोज बनाए हैं आप लोगों के लिए ये आप लोग देखिए फर्स्ट पीपल टू वॉच इट एंड आई होप यू लाइक इट प्लीज वॉच इट थैंक यू ओके सो आई होप यू guys liked it. आई होप uh, बस मैं पूरे मीडिया से यही दरख्वास्त करूंगा कि ये हम मेरे लिए हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं है ये एक बहुत जरूरत है जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 54% 54% परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडिया डेव टॉयलेट सो इट इज अ मास्ट थिंग फॉर द मीडिया यह हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम इसके बारे में लिखें फिल्म कैसी है अच्छी है बुरी है वो बात की बात है लेकिन इसके बारे में लिखें शौचालय के बारे में लिखे टॉयलेट के बारे में लिखे ओपन डेफिकेशन के बारे में लिखेट लिखे। uh, uh, अब मैं मेरे सबसे अच्छे मित्र अनुपम खेर जी को बुलाना चाहूंगा जो इस फिल्म में हमारे साथ हैं और साथ में मैं अपनी हीरोइन भूमि जी को बुलाऊंगा हम भूमि जी आप यशराज की हीरोइन है <laughs> हमें जी नहीं बोले हैं तो हम तो मर जाएंगे भैया <laughs> और मेरे साथ देवेंदू साहब जो मेरे छोटे भाई का रोल कर रहे हैं मैंने बड़ी कोशिश की थी इनको बड़े भाई बनाने की लेकिन <laughs> तो ये छोटे भाई का रोल कर रहे हैं ये हमारी स्टारकास्ट है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं क्योंकि वो अभी भी लगे हुए हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यू नो डायरेक्टर का, का काम वो लास्ट तक मतलब उसके जब तक हाथ रील्स खींचो नहीं उसके हाथ से वो रील छोड़ता नहीं है वो पकड़े रखता है बोलता है बस नहीं छोड़ूंगा अभी सो so, uh, हम ये इतने ही हैं अभी फिलहाल तो स्टारकास्ट अब आप लोगों को जो प्रश्न पूछना है हमसे पूछ लीजिए हम अपने हॉट सीट यानी टॉयलेट सीट पे बैठ जाते हैं सो so आइए सर अक्षय बिफोर स्टार्ट आ, <laughs> आ, आ, वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड आई हैव वी एट रेडियो सिटी हमने एक चीज़ की थी मतलब टॉयलेट एक प्रेम कथा था कई हो रही है यहाँ मुंबई शहर में भी सो मुलुंड में एक जगह है जिसका नाम रामगढ़ है सो वहाँ पर सेवेंटीन थाउजेंड फैमिलीज़ है एंड दे ओनली है फिफ्टी टॉयलेट्स सो वी काइंड ऑफ रोटेन द बी एम सी कॉपरेटर हाँ मैंने पढ़ा था इसके बारे में uh, हाँ, पढ़ा था मिड डे में आया लिखा था उन्होंने कहा बाई ऑक्टोबर वील हैव द नंबर ऑफ टॉयलेट इंक्रीज फ्रॉम फिफ्टी सिक्स टू हंड्रेड आप क्या बोलना चाहेंगे आई थिंक हंड्रेड से भी ऊपर चले जाए जी बो जितनी जल्दी चले जाए वुड बी द बेस्ट थिंग एंड इट्स अ ग्रेट इनिशियेटिव हेड सॉर रेडियो एंड योर मीडिया जागरण एंड एवरीबडडी दैट आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल एंड एवरीबडी हियर इज वेरी थैंकफुल टू थैंक यू सो मच द क्वेश्चन नाउ मैं ये कहूंगा कि पायरेसी नहीं हुई गलत बात है क्योंकि क्राइम uh, ब्रांच ने कुछ होने से पहले ही उसे पकड़ लिया था सो नथिंग इज दे ऑन नीद ऑनलाइन नॉ नीद पायरेसी सो आई वुड जस्ट थैंक द क्राइम ब्रांच फॉरवर्ड थैंक यू ना आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ एन इमेज आई जस्ट वॉन्ट टू कीप ऑन ट्राइंग फॉर एवरीथिंग सो so, uh, मैं नहीं चाहता मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो लोग मुझे एक्शन हीरो कहते थे एंड देन मैं बहुत सारी और चीज़ें करता था तो फिर कॉमेडियन कहने लगे फिर uh, रोमांटिक कहने लगे फिर मैं विलन के रोल में किए फिर आई जस्ट डोंट वांट एन इमेज आई जस्ट वांट टू कीप ऑन ट्राई माई सेल्फ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड अब आप जैसे कह रहे हैं सोशल फिल्में कर रहा हूँ uh, अभी मैंने पिछले साल ही एक मेरी अच्छी सोशल फिल्म आई थी हाउसफुल थ्री सो so, सो <laughs> so, so, बहुत सारी आती हैं आती रहती हैं मेरी फिल्में do miss doing love stories do you miss doing love stories, sorry? Do doing love stories? Uh, this is a prem katha darling kisse bade me mein sorry huh? proper switzerland story you want okay <laughs> <laughs> all right ma'am sorry that is not going to happen this is mahamari puri desi film hai and this is <laughs> <laughs> toilet a <take> prem katha <laughs> स्विट्ज़रलैंड जाने की जरूरत नहीं है एक बार मुझे याद है बहुत पहले मैंने किसी को देखा था कचरा फेंकते हुए तो वो मैंने ट्विटर पे डाला भी था की उसने बोतल फेंक दी थी तो बोतल उठा के उसकी गाड़ी में मैंने फिर वापस फेंक दी थी सो so, और हालांकि मैं अभी समंदर किनारे रहता हूँ आठ साल नौ साल पहले ही मैं जब आया था इधर रहने के लिए तब आ, समंदर किनारे पे भी चले जाते थे ओपन डेफिकेशन करने फिर मैं बकायदा उधर गया बाहर गया और उनको मैंने पकड़ा तो पहले तो वो हैरान हो गए मुझे मैंने उनका कंधा ही पकड़ लिया था और मैंने हैरान हो गए थे मुझे देखे कि अरे ये क्या मतलब बेटा ये क्या कर रहे हो बोले बस का, काम कर रहे हैं बोले काम कर रहे हो क्योंकि क्यों वहाँ क्यों नहीं करते वहाँ बना हुआ है कहते वहाँ मज़ा नहीं आता खुले में ज़्यादा मज़ा आता है एक कमाल की चीज़ है सो इट वॉज समथिंग विच आई डिड आई मेड हिम पिक अप इज़ ओन शिट एंड आई हिम आई हिम टू पिक इट अप एंड टेक इट एंड थ्रो इट एंड आफ्टर दैट नाउ वेर आई स्टे 100 मीटर लेफ्ट साइड एंड 100 मीटर राइट साइड नो कम्स बिकॉज दे आर लिटल बिट्स कैड कि वो आ जाएगा <laughs> तो हेलो अक्षय हेलो ओवर हियर आप जब भी कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनाते हैं जैसे हम देखते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं यू नो कभी किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स बहुत बार हर्ट हो जाते हैं तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे इसमें हर्ट हुआ नहीं नहीं बहुत सारी मतलब जैसे रिलीजियस इसमें भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्वीट किया था ना मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ किसके बारे में डालेंगे मुझे इसके बारे में मुझे नहीं पता आप बताएं कोई रोशनी डालें अरे मतलब जब सॉरी सर मतलब जब क्या कर रहे हो अरे अरे लेकिन मुझे नहीं मुझे समझाओ तो सही मैडम

जब मैं यूपी uh, साइड में शूट कर रहा था तो uh, उनकी मतलब बिलीफ uh, है कुछ लोगों की वहाँ uh, कि जहाँ खाना uh, खाते हैं पकाते हैं तो वहाँ नहीं करना चाहिए तो मैं बोला जहाँ उगता है वहाँ करना चाहिए ये समझ में नहीं आई बात तो सो से एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट अ स्मॉल लिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक इंडिया क्लीन एंड uh, ये तो आता ही रहेगा कुछ ना कुछ कोई कुछ ना कुछ, ना कुछ बोलता रहेगा किसी कोई को अपने सेंटीमेंट की बात करेगा बस मैं हाथ जोड़ के उन सब से यही कहूँगा कि वी आर जस्ट द ओनली थिंग वी आर ट्राइंग टू डू इज जस्ट क्लीन इंडिया दैट्स इट हाय हाय अनुपम सर ओवर हियर दिस इज इमेज टुवर्ड्स योर राइट ओह या सो यू नो रिसेंटली देयर इज अ बिग कंट्रोवर्सी व्हिच इज गोइंग ऑन अराउंड द पॉट इन मुंबई Uh, the RJ Malishka, she spoke about it and then recently uh, BMC slammed a notice on her. So, what do you have to say about the uh, entire controversy and the potholes in Mumbai? Well, I'll have to find out the whole controversy because I just came back day before yesterday. But I think potholes have been going on for the last 35 years that I've been staying here. Every time there is a rain happen, we need to change that. Every uh, action that something like this happens uh, is an initiative towards goodness. You see, we need to change things rather than constantly point out. There's a very wonderful dialogue in the film. If you change nothing, uh, nothing will change. dialogue. <laughs> oh, thank you, thank you. <laughs> 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 no, I think if you change So the point is my point is that I'm an eternal optimist. I believe in doing things rather than only thinking and pointing out the mistakes. I think this film is a great initiative on that on that level. This film, I think, if what has happened is today in few years we are aware of somebody if he throws he gets at least five six dirty looks from people passers by. They may not do anything about it, but you are pointed out as a person who is not doing something right. So, uh, that um, yeah, that I think that that is. Uh, this is, let's talk about this film. I think whatever Malishka did, I'm sure she must have done something very interesting and very good also. Hi, Akshay. And Akshay, I sir, over say. here. So you know, since Airlift, all your films have gone uh, above the 100 crore mark consecutive. And as far as Toilet is concerned, it is far more relatable a subject for the Indians in comparison to Airlift or Rustam. So, what are your expectations from, as far as this film are concerned? So I'm more interested in... Uh, अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहूँगा कि इस फिल्म की टिकटें भी कम हो क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड टिकटे के वैल्यू भी कम हो क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन मोर आई बॉल्स आई वॉन्ट पीपल टू वॉच इट नॉट अबाउट द कलेक्शन कलेक्शन कम्स लेटर हाउ मनी पीपल वॉचड इट हाउ मनी पीपल अंडरस्टुड इट फिफ्टी फोर परसेंट पीपल डोंट हैव टॉयलेट्स डार्लिंग सो वी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पीपल टू वॉच इट राधर दैन कि मैं बैठ के पैसे गिनूँ कि कितने पैसे आए हैं इस वक्त Akshay Shivangi so your... so on no. your right I have two questions first my question goes to Bhumi so how is your overall experience working with uh, Akshay and how is he as a co-star well, um, uh, this, this is a very, very, very special film for me, and I can easily say that uh, shooting this film has uh, been one of my best experiences in life yet. Akshay is just a great example for somebody like me. It's only my second film, and when you see somebody like him who's done, who's been here for 25 years, and I don't know how many hundred of films, and he's just so driven, so dedicated, so professional. He's still so excited about being on set and just.

<laughs> तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको मजा आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया मैं थोड़ी इसमें कुछ बोल सकता हूँ आई एम श्योर कि आप लोगों ने अगर ये बात पकड़ी होगी तो आप ही आप ही बोल सकते हो आप मीडिया हो आपके अंदर ताकत है आपके पास कलम है आपके पास कैमराज हैं तो आप उनसे बात करें हाँ जी मैसेज देना चाहो मैं उनको एक डीवीडी भिजवा दूंगा इस फिल्म की और क्या करूंगा हाँ अच्छे या दिस दिस साइड मैम सो हमेशा हमने देखा है कि देशभक्ति वाली फिल्में आप करते हमेशा देश के हित में जो कुछ भी बन पड़ता है आपसे करते हो हाल ही में एक चूक हुई थी आपसे राष्ट्र ध्वज को लेकर मैं जानना चाहती हूँ की ये गलती हुई और किस तरह से फिर उसको रेक्टिफाई किया एक्चुअली मैम सच बताए चले आपने प्रश्न पूछा तो एक्चुअली मैं वो झंडा उस वक्त खोल रहा था तो वो उल्टा उस वक्त था तो खींच पीछे से किसी ने फोटो खींच ली और मैंने भी रियलाइज नहीं किया मैं उसको सीधा कर रहा था और अगर आप देखोगे तो टीवी पे वो सीधा है लेकिन उस वक्त पीछे से किसी ने खींच लिया लेकिन फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं जो मैं माफी मतलब माफी मतलब मांग भी चुका हूं दूसरा एक और सवाल जैसा आपने कहा कि ये बेहद अहम मुद्दा है देश के लिए हमेशा शौचालय की बात की जाती है खुले में शौच की बात की जाती है क्या इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए जो राज्य सरकार है उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी फिल्म की टीम के द्वारा नहीं जी फिलहाल नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है लेकिन हाँ जी हमने आ, आ, जरूर आ, भेजा जरूर है फॉर्म जो फिल किया जाता है टैक, टैक्स एग्जामेशन के लिए वो जरूर वाईकॉम ने भेजा है और दरख्वास्त की है कि अगर टैक्स फ्री हो सके तो थैंक यू अनुपम जी ये इन्होंने अशोक पंडित जी ने एक uh, uh, मुहिम शुरू की uh, काफी लोग जो uh, अच्छे हैं रिच सोसाइटीज़ के हैं उन लोगों को लेकर जूहू बीच हो या चौपाटी हो या जहा भी गंदगी होती हैं तो बड़े लोग भी आए उसमें शामिल हो क्या आप लोग भी इसमें शामिल हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं मनोज वाजपेयी वगैरह काफी लोग दे चुके मतलब आप सवाल मुझसे पूछें उसमें जुड़ा हूं कि? जी 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 मैं जुड़ा हुआ आई थिंक किसी भी एक uh, ऐसे नागरिक का एक कर्तव्य है कि जुड़ा होना यू मे नॉट सी मी माई देयर बट आई एम देयर आई गो एंड गो टू गार्डन्स आई थिंक द इनिशिएटिव टेकन ब द जूहू रेजिडेंस इज़ अनबिलीवेबल हर लोग बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है आई थिंक उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया बट अपार्ट फ्राम देट आई मस्ट टेल यू अब माई चाइल्ड हुड नाव दैट आई एम सिटिंग ऑन दिस स्पॉट आई वेंट टू अ होम आई कम फ्राम ए होम वेयर फॉर नाइनटीन ईयर्स वी वेंट टू ए टॉयलेट इवन दो इट हैड वॉल्स एंड रूफ वेयर दो इंटें यहाँ होती थी दो इंटें यहाँ होती थी और नीचे एक ट्रे होती थी और उस ट्रे में एवरीबडी यूज टू गो एंड शिट टेन फोर्टीन मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फैमिली सो वन हैज सीन ऑल दिस वन हैज़ फेल्ट इट ऑल दिस एंड वन हैज इट स्मेल्टो ऑल दिस सो वन फील्स फॉर दिस इट मे अपेयर फॉर अस अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम दैट ओपन डेफिकेशन आई थिंक देर आर लॉट ऑफ लेडीज ओवर हेयर इवन टू गो टू अ टॉयलेट अगर उसकी कुंडी अंदर से ना लगी हो तो आप दो दोस्तों को बाहर बिठाते हैं I think you need to think about all the women all over the country who have no possibility of a privacy it's an assault on privacy also so I think this is a great idea that all four of us are sitting on this it's a symbol I think actor's job is also to make people aware of what is happening and if we succeed in that I think this film will reach its 500 crores in terms of value uh, and hopefully in terms of money also I think it's an initiative which an actor like akshay kumar has taken over usually this kind of a subject is taken over by the art cinema people this is the first time somebody like him has done it and i think we should all applaud it for the kind of work that he has done thank you hi hi poonam singh uh, वुमन ट्रैफिक ट्रैफिकिंग पे आपने बात की पैडमैन आज सुबह या कल कारगिल के वहाँ यस 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 सॉरी सॉरी या या पैडमैन आपकी आ रही है जैसे आपने सेल्फ uh, डिफेंस की एक uh, मुहिम शुरू की थी सो so, uh, इसका मोटिवेशन कहाँ से था एक्चुअल और ऐसी कोई और बात मोटिवेशन कहाँ से जी yeah, मेरे मैं घर में रहता हूँ मेरी वाइफ है मेरी मदर है मेरी सिस्टर है मेरी मदर इन लॉ है मेरी डॉटर है uh, uh, मेरी वाइफ uh, की ग्रैंड मदर हम सब साथ में ही रहते हैं तो आई एम सराउंडेड बाई वमेन सो मैं मी एंड माई साना ओनली दे, सो इंस्परेशन यहाँ से आती है माई वाइफ ऑन टॉकिंग अबाउट इट सो आई वुड से इवन लाइक फिल्म लाइक पैड मैन विच स्पीक्स अबाउट सैनिटरी पैड्स Which is a very big, big, huge taboo subject, much huger than what toilet is, and uh, it speaks about that. And um, it's a, it's a very sad thing that ninety one percent of India, Indian women, don't use pads because they cannot afford it, and it is a it's a thing which. जस्ट मतलब मैंने जितनी कहानियाँ सुनी हैं अभी तो मैं नहीं कहूँगा बट इट जस्ट ओपन गेट्स एंडयो हेलो सब

<laughs> हाँ मैं समझ गई आपका प्रश्न आई फील आई एम एक्सट्रीमली लाकि बिकॉज बहुत कम मौके आते हैं एक करियर में जहाँ पे आपको ऐसी फिल्मों का हिस्सा होने का चांस मिलता है एंड आई थिंक द काइंड ऑफ पर्सन आई एम हैव ग्रोन अप इन अ वेरी सोशली अवेयर एनवायरमेंट फ्रॉम अ वेरी यंग एज वी वुड टॉट आर रिस्पांसिबिलिटीज टूवर्ड्स आर सोसाइटी एंड आर कंट्री सो आई थिंक इट नैचुरली आई हैव एन अफिनिटी टू चूज फिल्म दैट आर एंटरटेनिंग बेट एट द सेम टाइम हैव समझ समाइटी सो आई जस्ट वन थैंक्स द मेकर्स ऑफ द फिल्म एंड टेकिंग

लाइक यू सर मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि स्क्रीन पे वी शुड लुक लाइक ब्रदर्स वो एक केमिस्ट्री रहे जिसमें इनिशियली मुझे पता नहीं था कि सर के साथ कभी काम नहीं किया था बट ही सच अ ट्री टू वर्क विद हर सीन में मोस्टली हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे एंड आई थिंक यू कैन सी दैट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ऑल्सो सो या इट वॉज रियली रियली फन टू वर्क विद एन तो आप इनके बड़े भाई बने हैं जी अच्छा जस्ट इन यू वो लेफ्ट लेफ्ट Actually, when a song from the film was out recently, uh, it showed your character following Bhumi's car character and even secretly filming her. Uh, there was a lot of criticism that perhaps a mainstream film and an actor like you shouldn't encourage stalking. Uh, See, it's just a character, and that's it. And it is just a character which was just uh, trying to uh, take a photograph of her. And yes. Uh,

जितना प्रेज मिल रहा है फिल्म रिलीज़ होने से पहले फिल्म का जो नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा टॉयलेट एक वर्ड बहुत अलग कॉनोटेशन है और एक प्रेम का प्रेम कथा एक अपने आप में अलग चीज़ बयां करती है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रेलर में आ, आ, ये नाम में टॉयलेट एक प्रेम कथा ये कैसे आइडिया आया किसका सजेशन था और बहुत यूनिक सा है तो इसके बारे में कुछ बता सके जनाब ये आ, जो जिन्होंने ये फिल्म लिखी है ये वहीं से आया था एंड आपको मैं एक बड़ी आश्चर्य वाली बात बताता हूँ ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन साढ़े चार, चार साल से घूम रहा था uh, कई हीरो के पास गई कई लोगों के पास ये स्क्रिप्ट गई थी तो लोगों ने इस फिल्म को नहीं उठाया था तो मुझे अच्छी लगी थी मैंने ये फिल्म को बल्कि हाथ जोड़ के नीरज पांडे साहब से मांगी मैंने कहा ये फिल्म मैंने करना चाहूँगा uh, और ये मैंने फिल्म की uh, पहले इस फिल्म का नाम Uh, संडास एक प्रेम कथा थी टू बी ऑनेस्ट इट वॉज इट वॉज लाइक दैट एंड देन इट चेंज टू टॉयलेट एक प्रेम कथा एंड uh, और भी साथ में जाने से पहले ये कहूँगा कि ये एक लव स्टोरी है टॉयलेट जो इसका है वो बैकड्रॉप है इसका लेकिन बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन केशव एंड जया और ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है कुछ ऐसी कहानियों को लेके पिरोया गया है और इसको बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है छोटा सा बिहार का एक गांव है जो गाजीपुर इलाके का है जहां पर पिछले 33 साल से कोई भी शौचालय नहीं है वहां के अंधविश्वास है कि अगर वो शौचालय बनाया जाए तो वहां पे किसी की मौत हो जाती है तो वहां पर आप लोगों का क्या मैसेज होगा गाजीपुर का गाँव है बिहार का सर कितने साल से नहीं है थर्टी थ्री तो वहाँ तैतीस साल से कोई मरा नहीं, नहीं मरा है सर आ, पास। तो अभी तो बनाया नहीं तो मरा ही नहीं होगा ना नहीं सर सब बना जब, को, जब कोई भी बनाने जाता है तो वहाँ पे मौत हो जाती है चाचा जी तो अभी तक तो कोई मरा तो नहीं होगा सब जिंदा होंगे जन, चार जनों की मौत हो चुकी है इस तरह का रिपोर्ट है मतलब पॉटी करने से हाँ सर शौचालय हमने बहुत दिन से गए नहीं होंगे सर maybe वो मल्टी स्टोरी टॉयलेट्स बना रहे होंगे तो बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे तो गिरने से Okay that's it guys that's it guys thank you so much uh, we will go we'll go for a group Akshay photo now yeah. yeah but before Akshay. that Akshay. i would like to call upon my, all my, my producers ajit saab please sir he represents uh, YCOM and uh, prerna ji arjun with you. Gracias. Sí, dies ओके मैं बिफोर आप लोगों का मैं धन्यवाद करूं मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं आप लोगों को कि एक बहुत अच्छी खबर आई है न्यूज़ आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म दैट पी वी आर इन एसोसिएशन विद माई अपकमिंग फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा विल बी ओपनिंग अपलेट्स ट्वेंटी फोर आवर्स एट थ्री स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज इन मुंबई डेली एंड बेंगलुरु मतलब एनी वन कैन यूज़ द टॉयलेट फैसिलिटीज़ बाय जस्ट गेटिंग अ टॉयलेट पास एट थ्री ऑफ द मल्टीप्लेक्सेज नेमली पीवीआर ईसीएक्स मुंबई पीवीआर प्रिया दिल्ली एंड पीवीआर मार्केट सिटी बेंगलुरु आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द पीवीआर आई वुड थैंक अजय बिजली वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड थैंक यू वेरी मच अजय एंड मैं जाने से पहले एक और बात सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा अपने राइटरों का करना चाहूँगा जिन्होंने ये फिल्म लिखी है गरिमा और सिद्धार्थ सो so, गरिमा और सिद्धार्थ जैसे मैंने आपको कहा साढ़े चार साल से ये फिल्म को लेके घूम रहे थे एंड इट इज दियर मतलब वो इतने परसिस्टेंट थे कि हमने ये फिल्म बनानी है कैसे ना कैसे बनानी है एंड आई थिंक हैथ ऑफ टू देम दे सक्सीडेड इन इट एंड थैंक यू वेरी मच गरिमा एंड सिद्धार्थ और, और uh, मेरे जो प्रोड्यूसर है जो आके फोटो खिंचवा के चले गए लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा अजीत साहब जो पूरी वाईकॉम चला रहे हैं इस वक्त

For being with me and my films, thank you and thank you very much all the media people uh, for coming for this film. Remember this is just not a film it's uh, it's a movement or yeah. a motion. <laughs> 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 all right it's a movement. Thank you very much. Good night. That will be all. Thank you so much, the media. Please do not forget to watch on August eleventh Toiletic Prem Katha, brought to you by Wycom, eighteen motion pictures, Kriyarji Entertainment and Niraj Pandey in association with Plan C Studios and Cape of Good Films. Thank you. Thank you so much.